अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के लेक्चर चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये टॉपिक जो स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते वक्त आपने जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मीन्स हरारत के बहाव की शरह। अब स्टूडेंट्स, रेट का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था, रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके इक्वल होगा? क्यू मतलब हीट, क्यू हीट को क्यू से जाहिर करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये एक चीज़ है, यहाँ से हीट ने यहाँ जाना है, मतलब यहाँ से गुजर के यहाँ जाना है। हीट जो चीज़ जा रही है वो क्या जा रही है? क्यू, हीट क्यू जा रही है। और कितने टाइम पे जा रही है? टाइम टी पे जा रही है। तो एक हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए जितने टाइम पे वो हीट जा रही है वो उसकी शरह कहलाएगी, वो उसकी स्पीड कहलाएगी। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हरारत के बहाव की शरह। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसके इक्वल होगा? क्यू ओवर टी के। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है क्यू ओवर टी। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर देखें, एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है और वो इस तरीके से आपकी बुक में दिखाया गया। ठीक है, ये लेट्स सपोज आपके पास एक ब्लॉक है। स्टूडेंट्स, ये उसकी ये इसके अंदर वाली साइड होगी। ठीक है, इस तरीके से ये स्टूडेंट्स उसकी एक साइड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये उसकी दूसरी साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये इसकी एक साइड हो गई, ये इसकी दूसरी साइड होगी। तो ये जो है या ये जो है ये क्या है? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसको हम किस चीज़ से जाहिर करेंगे? ए से जाहिर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है ये जैसे इसकी बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ है। अब इस तरफ टेम्परेचर कुछ और होगा, इस तरफ टेम्परेचर कुछ और होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है, इस तरफ टेम्परेचर टी वन है और इस तरफ जो टेम्परेचर है वो टी टू है। टी वन लेट्स सपोज हाई टेम्परेचर है, टी टू आपने फ़र्ज़ कर लेना है लो टेम्परेचर है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो हीट जो है वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, हरारत के बहाव की शरह जो है, स्पीड जो है, वो कब ज़्यादा होगी कब कम होगी? इसके तीन फैक्टर्स हैं। पहला जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो है लेंथ, लंबाई। थर्ड चीज़ जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास ये एक चीज़ है, ठीक है, सेम लेंथ वाली ये एक चीज़ है। अब यहाँ से हीट ने यहाँ जाना है और इधर से यहाँ जाना है, बताए यहाँ स्पीड, यहाँ हीट ज़्यादा जाएगी या यहाँ ज़्यादा जाएगी? ज़ाहरी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट ज़्यादा जल्दी यहाँ जाएगी क्योंकि यहाँ उसको एरिया जो है ज़्यादा मिलेगा, यहाँ एरिया कम मिलेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ हीट फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगी। तो मतलब क्यू ओवर टी जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, लेंथ की बात करते हैं। लेट्स सपोज एक ये है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली एक और है लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा है। अब हीट ने लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ ज़्यादा जल्दी जाएगी? जहाँ लेंथ कम होगी। इसका मतलब है लेंथ कम होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है, हरारत के बहाव की जो शरह है, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, ये इसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
लास्ट वन जो इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, अवामिल। लास्ट वन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, मीन्स T1 माइनस T2। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, सेम साइज का, सेम लेंथ का, दो ब्लॉक्स बिल्कुल सेम है। इस तरफ टेम्परेचर है लेट्स सपोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लेट्स सपोज टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लेट्स सपोज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके दरमियान T1, ये है T1 ज़्यादा वाला टेम्परेचर, ये है T2 कम वाला टेम्परेचर। T1 माइनस T2 यहाँ क्या होगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ टेम्परेचर का फ़र्क कितना है 98, 4 माइनस 2, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स क्या होगा ये देखें कि यहाँ से हीट यहाँ आएगी हाई टेम्परेचर से, लेट्स सपोज यहाँ 4 है, यहाँ आया, यहाँ 3 हो गया, पीछे भी क्या हो जाएगा 3, तो हीट थोड़ी सी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन यहाँ हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, यहाँ 100 है, यहाँ आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा 99, फिर 98, 97, 96, इस तरह कम होता रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब ज़्यादा हो तो रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ हीट भी कम होता है। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ़ फ्लो ऑफ हीट जो क्यू ओवर टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T1 माइनस T2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ इक्वेशन सारों को दोबारा लिख रही हूँ। पहली इक्वेशन हमने देखी क्यू ओवर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन आपने ये दोबारा नहीं लिखनी है जगह की वजह से, क्योंकि वीडियो में सारा नज़र नहीं आ सकता, तो मैं इस वजह से कर रही हूँ। क्यू ओवर टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर L, ये आपने देखी थी सेकेंड इक्वेशन। क्यू ओवर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, ये आपने देखी थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को मिला देंगे, क्योंकि इसकी एक साइड सेम है तो आप इसको मिला सकते हैं, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मसावात 1, 2 और 3 को मिलाने से क्या होगा, क्यू ओवर टी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, ऊपर ए है और इधर ऊपर क्या है साथ T1 माइनस T2 और नीचे ये वाला L आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो स्टूडेंट्स आपके पास अब जो इक्वेशन आ चुकी है वो आ चुकी है क्यू ओवर टी इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके इक्वल का निशान लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट है K A और साथ वैसे ही आ जाएगा T1 माइनस T2 ओवर L। यहाँ पे K जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, जो हमारे टॉपिक का नाम था थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपने थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला मालूम करना हो तो K इधर ही रहेगा, Q ओवर T जो है वो ऑलरेडी उधर है, ये L इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और A इंटू T1 माइनस T2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा A इंटू T1 माइनस T2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला। अब आपने याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है ना वो होता है वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये आपने इसका यूनिट याद रखना है। अब स्टूडेंट्स बुक से देख लेते हैं, सबसे पहले आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डेफिनेशन लिखनी है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एक इकाई वक्त में कितने ही हरारत का बहाव हो रहा है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं, आगे साथ आप उसका फार्मूला भी लिख देंगे। फिर आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटीरियल, मुख्तलिफ मटीरियल्स में मुख्तलिफ होती है, इन मेटल्स में हीट फ्लो रैपिडली एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स की नस्बत कंडक्टर्स में हीट ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है, एज सच एज वुड एंड रबर, जैसा कि रबर और वुड होता है इंसुलेटर। कंसिडर अ ब्लॉक, एक ब्लॉक को फर्ज करें, वन ऑफ इट्स टू अपोजिट फेसेस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज हीटेड टू अ डिफरेंट टेम्परेचर टी, वन
कह रहे हैं कि उनके जो मुख्तलिफ सिरे हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया गया, एक को T1 हाई टेम्परेचर से हीट किया गया। हीट क्यू फ्लोज अलोंग इट्स लेंथ एल टू द ऑपोजिट फेस एट टेम्परेचर T2 इन T सेकेंड्स। यहाँ से जो हीट होगी वो उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगी जहाँ टेम्परेचर क्या T और हीट क्या फ्लो करेगी क्यू करेगी, टाइम कितना लगेगा T। ठीक है, आगे यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे फैक्टर्स की, अवामिल, पहली डेफिनेशन की, दूसरी एक्सप्लेनेशन, तीसरी फैक्टर। इट इज़ ऑब्जर्व एट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत से अवामिल पर मुनसर है। यहाँ आपको थ्री फैक्टर्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। क्रॉस सेक्शनल एरिया में आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आप 1 का नाम दे दें, ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो बाय कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स मिलाने से ये यहाँ तक आ गया, इसको मैं रीड अभी करवा देती हूँ। हेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है सॉलिड का। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, मतलब एयर का एक फिक्स वैल्यू होगी, ब्रास की फिक्स होगी, कॉपर की अपनी होगी, आइस की अपनी होगी, लेड की, ये साइड टेबल पे आपको दी भी गई है। तो सब्सटेंस कौन सा, उसकी एक फिक्स वैल्यू है एंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल, हर मटीरियल की मुख्तलिफ है। ठीक है, और के का फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। अब स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लास्ट पे दी गई है, आप देख लें और साथ आपने इसका यूनिट भी लिख देना है, ये वाला वॉट पर मीटर पर केल्विन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसिस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, स्टूडेंट्स आपको पता है लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये मिलकर बन जाता है मीटर क्यूब 3। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक मीटर क्यूब सब्सटेंस हो मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन, उनके जो दोनों साइड्स हैं उनका टेम्परेचर का डिफरेंस 1 केल्विन हो, मतलब इस तरफ 7 केल्विन हो तो इस तरफ 8 केल्विन हो, इधर 8 केल्विन हो तो दूसरी तरफ 9 केल्विन हो, 1 केल्विन का अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, तो उस वक्त जो हीट फ्लो करेगी उसको उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। अब स्टूडेंट्स फैक्टर्स की जो सारी लाइन्स हैं उसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना, यही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि एरिया ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगी, ये सारी बातें लिखें, इसको आपने एज इट इज़ टॉपिक को पूरा बुक से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।